इट्स टाइम टू टैग यू अनदर एपिसोड ऑफ टैग टाइम, यूर एपिस हमारे पास कम्युनिटी की एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं, जिनका काम उर्दू अदब में बहुत नुमाया है उनका तनकीद पोइट्री और रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है हमारे साथ मौजूद हैं हमीदा शाहीन जी आपको खुश आमदी बहुत शुक्रिया आपका आ, हमीदा जी आप बहुत ही हम्बल शख्सियत के मालिक हैं आजकल के शोरा और लिखारियों में ये सिफ़त जो है वो बहुत कम देखने में आती है तो इसमें इस सिलसिले इस में आप क्या कहना पसंद करेंगी कि यह आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ असल में जब इंसान सिर्फ़ अपनी ज़ात के अंदर गुम रहता है तो उसके अंदर अना बहुत बढ़ती जाती है ख़ुद पसंदी बढ़ जाती है लेकिन जब आप अपनी ज़ात से बाहर निकल के देखते हैं और सोचते हैं कि इस कायनात के अंदर इतनी बड़ी कायनात के अंदर मेरा क्या मकाम है क्या हैसियत है और मेरा दायरा इख्तियार कितना है और ज़िंदगी की आप हकीकत पे गौर करते हैं कि देखिए एक लम्हे के अंदर मालूम नहीं क्या आप हैं या नहीं हैं जस्ट एक मोमेंट की बात होती है ना एक सांस का किस्सा है। जी सांस आया है या नहीं, नहीं आया तो जब इस तरह की बातों पे गौर करें तो फिर एहसास होता है कि कुछ भी नहीं रखा तकबर में कुछ भी नहीं रखा अना में गुरूर में तो दुआ में तो हमेशा ये करती हूँ कि चले एक तो ये कि मेरे हाथ से किसी का कोई फायदा हो जाए और अगर फायदा नहीं भी होता तो कोई नुकसान नहीं हो ये बहुत खूबसूरत बात आपने की जैसे कहते हैं कि कम से कम आप दूसरे के लिए सोचें तो बेहतर सोचें तो अगर आप उसकी भलाई नहीं कर सकते तो उसके लिए अपनी सोच मुस्बत रखिए तो चलिए पहले ही मैं एक जरा थोड़े से मुश्किल से सवाल से शुरू जी। आप तनकीद भी करती हैं पोइट्री भी करती हैं शायरा हैं और रिसर्च का बहुत काम है तो आपको इनमें से कौन सा एरिया बहुत ज्यादा पसंद है जो आपका अपना जिससे आपको लगाओ हो ज्यादा शायरी तो मेरी जात का हिस्सा है और जो लोग ये कहते हैं कि शायर बना बनाया नहीं होता मैं अपना मेरा जाती तजर्बा है कि मैं तो बचपन से शायरा आऊँ मेरी तबीयत की मौजूनीत स्कूल में ही मुझ पर बाद में खुली मेरे उस पर पहले खुल गई और उन्होंने मुझे अदब के साथ जोड़ दिया तो शायरी मेरे लिए सांस लेने जैसा अमल है बहुत मुश्किल हालात में बहुत मसरूफियात में ज़िंदगी के नशेब फराज के अंदर भी शायरी हमेशा मेरे साथ रही है दीगर कामों के लिए ये होता है कि आपको वक्त चाहिए यकसुई चाहिए और आपको अपने वक्त में से कुछ थोड़ा सा उसको मेंटेन करना पड़ता है सूरत हाल को कि थोड़ी प्राइवेसी भी हो जहां आप बैठ के काम कर सकें शायरी का ये आलम है कि आप चलते फिरते अपनी दीगर मसरूफियात के साथ साथ आप कहीं भी किसी भी वक्त भी मिसरा जो है वो लिख सकते हैं किसी ज़माने में मैं कागज़ पेंसिल साथ रखा करती थी अब ये मोबाइल ने कमी पूरी कर दी है हर वक्त मोबाइल पास होता है तो आप उसके ऊपर टाइप करें और उसके बाद, बाद में देखते रहें कि आपने क्या लिखा है फौरी तौर तो पे तो जो जहन में आता है शायर लिख देता है ये बाद का प्रोसेस होता है कि वो उसे देखता है कि ये ठीक है नहीं है इसे कैसे होना चाहिए वो क्राफ़्ट की बात बाद में होती है तो शायरी मेरे लिए आ, हमेशा साथ रही है मेरे चलिए शायरी के हवाले से ही हम बात कर लेते हैं कि आजकल जिस तरह का अदब तख्लीक हो रहा है और ख़ास तौर पे जिस तरह की शायरी हो रही है उसके अंदर पॉपुलरिज़म बहुत है उसके अंदर शोबिस की तरह बहुत मुझे मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत कम काम है जो निकाल के आप कह सकते हैं कि ये किसी पाए का काम है या ये कोई फ़र्क लाएगा या इससे कुछ फ़र्क पड़ता है आपकी क्या राय है इस सिलसिले में आपने काफ़ी वसी सवाल किया है और इसके बहुत से पहलू हैं पहला तो ये है कि हमेशा से ऐसा रहा और ये मैं समझती हूँ कि ये कुदरत की मंशा है कि आप उजाला के साथ अगर अंधेरा नहीं होता तो आप उजाले की ख़ासियत को नहीं समझ सकते तो बहुत सा जो लिखा जा रहा होता है जिसे आप सब स्टैंडर्ड कहते हैं वो दरअसल किसी ऐसी आला चीज़ के लिए माहौल बना रहा होता है जब एक पूरा माहौल बन जाता है तो उसके अंदर से कोई फिर ऐसी चीज़ निकलती है कि जिसे आप कहते हैं कि ये आला है तो माहौल बनना तो ज़रूरी है और ये हमेशा से बनता आया है अब ये चीज़ हाई क्यों हो गई इसलिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सामने आ आ जाती हैं आ रही हैं जिन्हें शायद सामने आना नहीं चाहिए था नहीं। जब वो सामने आती हैं तो फिर जो अदब का कारी है वो भी परेशान हो जाता है कि क्या इसको हम अदब कह सकते हैं या नहीं और जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि उसका असर क्या पड़ता है जाहिर है कि जो सब स्टैंडर्ड चीज़ होती है उसका असर भी वैसा ही होता है आला अदब आला शख्सियात और हमारे जो आला पैगाम के अदब होता है उसके असरात दूर रस होते हैं ज़िंदगी की तहजीब तो और तमीज़ सिखाता है तरबियत करता है अदब तो ज़िंदगी है ना हमने ज़िंदगी को किताबें पढ़ पढ़ के सीखा तो अब यह है कि बहुत सी चीज़ें अब हमें तो हमारे आ, बता देते थे ना साथ के बेटे ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना फ़लाँ फ़लाँ किताबें पढ़ लीजिए तो हमारे लिए आसान था आज की नस्ल के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि जो चीज़ ना वालदे चाहते हैं कि वो देखें ना वो बाज़ात वो ख़ुद भी नहीं चाहते कि वो देखें लेकिन अचानक सामने आ जाती है आपको भी तजुर्बा होगा इस बात का कि अचानक बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं और उनके पास इतना फैलाव में चीज़ें मौजूद हैं कि उनके लिए इंतख्य करना बहुत मुश्किल हो गया है तो ये नई नस्ल के साथ थोड़ा सा आ, कह लीजिए कि एक मुझे तो लगता है कि एक ज्यादती है और हमें थोड़ा सा उनके साथ जुड़ के रहना चाहिए और उनको जो नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं इस कसरत मालूम की वजह से उनके साथ तो अगर हम लोग वालदे इस थोड़ा सा उनके साथ जहनी तौर पर भी मुंसलिक रहें और आज की नस्ल ये नहीं पसंद करती कि हमें डायरेक्ट हिदायत दी जाए तो उनके साथ इस तरह मुंसलिक रहा जाए कि उन्हें महसूस भी ना हो कि हमें कोई डिक्टेशन दी जा रही है लेकिन उनकी तरबियत भी हो जाए हाँ मैं इसी तरफ आने लगी थी कि एक जमाने में सोहबत और तरबियत इस पर बहुत जोर होता था और इसकी बहुत अहमियत थी मेरा ख्याल है ये कि किसी भी जमाने में खत्म नहीं होता लेकिन इसमें इंटरफेरेंस हो गई सोशल मीडिया की तो इसका इम्पेक्ट और इसकी जरूरत और अहमियत सोशल मीडिया एज अ सोहबत और तरबियत और जो हमारे बहुत जिसे कहते हैं कि जखीम ख़जाने होते हैं वो लोग जो एक सफ़र तय करके और एक ख़ास तरबियत से निकल के नशो नुमा पाते हैं उनकी तरबियत मैंटरशिप टूवर्ड्स द यंगर जनरेशन इसके ऊपर कुछ बात कीजिए जी बिल्कुल ये तो बहुत ज़रूरी है कि जिस किस्म के भी हालात हों उसमें जो सबसे अहम चीज़ हमारे लिए होती है वो हमारी नई नस्ल है क्योंकि इंसानियत उसी से आगे बढ़ती है कोई मुशरा उसी से आगे बढ़ता है कि उसे किन खतूत पर जाकर चलाया जाएगा कि आगे कौन सी नस्ल आ रही है उसकी क्या अकदार हैं उसकी तरबियत कैसी है उसकी तहज़ीब कैसी है तो जब तक हम इन अमूर पर गौर नहीं करेंगे तो उस वक़्त तक हम अपनी नई नस्ल का साथ नहीं दे पाएंगे अगर माँ भी मोबाइल लेकर बैठी है बाप भी बैठा हुआ है बेटा भी अलग बैठा हुआ है तो ठीक है इट्स ओके okay, अपनी अपनी ज़रूरत का काम कीजिए लेकिन ये भी देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है और जब आपको याद होगा कि जब आगाज़ हुआ है इस सारे तूफ़ान का मैं तो इसे तूफ़ान ही कहूँगी जो आई का आया हमारी ज़िंदगी में तो उस वक्त अभी इतनी अवेयरनेस नहीं थी लेकिन इसके साथ अब आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता इस किस्म की ऐप्स आ रही हैं जिनके जरिए से वालद कंट्रोल कर लेते हैं कि बच्चे को क्या देखना है क्या नहीं देखना तो ये बहुत ज़रूरी है शौरी तरबियत हर हर लम्हा बहुत ज़रूरी है चलिए अब इसी से जुड़ी हुई एक और बात कर लेते हैं आ, हमारा तमाम तर काम हमारे कल्चर से जुड़ा होता है हमारी रवायात से मुंसलिक होता है पाकिस्तानी ड्रामा सारी दुनिया में देखा जाता है इस वक्त और अभी भी बहुत स्ट्रॉग जौनरा है जिसमें बहुत काम होता है और बहुत से राइटर्स लिखने वाले ख़ास तौर पे इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं तो क्या आप समझती हैं कि आ, इस यौनरा में जो काम हो रहा है वो सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करवाने में अहम किरदार अदा करता है या सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करता है उस तरह जैसे कि करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्या हम इस कदर जवाल का शिकार हैं और अगर हम हैं तो फिर इसका क्या इसका क्या अंजाम है देखिए ये जो हमारी ज़िंदगी में ग्लैमर का बहुत ज़्यादा अमल दखल हो गया है असल मसला वहाँ है तो जब ज़िंदगी के हर मैदान में आ गया है तो कैसे हो सकता है कि ड्रामा उससे बचा रहता अब ड्रामे को भी ग्लैमराइज़ करने के लिए बहुत सी वो हकीक़तें नज़रअंदाज हो जाती हैं जो पाकिस्तानी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं लेकिन ड्रामे के अंदर उनको अगर लाया जाता है तो यूँ कह लीजिए कि कुछ तबक़ात को पसंद नहीं आएगी वो बातें और कोई भी राइटर इस वक्त ये नहीं चाहता कि उसकी लिखे हुए पर कोई प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि उसके प्रोड्यूस किए हुए पर कोई हिदायतकार ये नहीं चाहता कि उसके हिदायतकार किए हुए ड्रामे के ऊपर कोई ऐसे व्यूज़ आए कि जिन जिनके बारे में या कोई ऐसी आरा आए कि उसका जो आप ज्यादा बिस, जाती जो है वो क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे हिट होना बहुत जरूरी है लाइक्स कितने हैं है, वो बहुत जरूरी है फॉलोअरशिप क्या है ये सब बहुत है और ये आप जानती हैं कि ये रोजाना की बुनियाद पे कौन सा ड्रामा किस नंबर पे आ रहा है और ये इतनी तूफान सा उठा दिया जाता है टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं तज् निगार बैठे हैं वो कहते हैं आज फला ड्रामा इतने नंबर पे आ रहा है अब ये दूसरे नंबर पे चला गया है वो ड्रामा निगार भी नफसियाती हो जाता है वो सोचता है इसमें क्या मसाला डालूं कि बस ये नंबर वन पे ही रहे तो जिस तरह हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई थी मसाले डालने से आपको याद है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री भी इसी तरह से बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस की हैं बेहतरीन अदाकार थे हमारे पास बेहतरीन हिदायतकार थे लेकिन जब ये कि इतना इतना सा उसके अंदर ग्लैमर होना चाहिए जैसे कोई औरत हंडिया पका रही होती है उसमें इतना नमक इतना मिर्च इतनी फहाशी होनी चाहिए इतना जो है वो नहाने का सीन होना चाहिए इतना ये इतना उसके बाद कहानी कहाँ गई उसके बाद वो पैगाम कहाँ गया उसके बाद वो तरबियत कहाँ गई जो कि फिल्म इंडस्ट्री कर रही थी बिल्कुल यही ड्रामे के साथ हुआ है कि फार्मूला जब आप लगा के चलेंगे और अब फार्मूले में पहल पहली बात अवलीयत तो ये हो गई है कि जी रेटिंग क्या ले रहे तो क्या ये लिखने के लिखने पढ़ने के तमाम एरियाज में ऐसा ही नहीं हो रहा बिल्कुल कि रहा आ, आप देखिए जितने लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं उसके अंदर जो जिस किस्म की शायरी आ, की जाती है अदबी दुनिया में जो बड़े नुमाया लोग हैं चलिए इस पर इस तरह बात कर लेते हैं कि तनकीद पसंद नहीं की जाती और आपने तनकीद पे बहुत काम किया है तो क्या ये मावन साबित होती है सोसाइटी में लिखने वालों के अंदर कुछ तब्दीली लाने में सोसाइटी में कोई चेंज लाने में या ये जस्ट पेपर्स में कहीं रुक जाती है और ख़त्म हो जाती है प्रैक्टिकल होने से पहले ही असल में तनकीद का भी एक अंदाज़ होता है ना तो वक्त के साथ उस अंदाज को तब्दील करना चाहिए देखिए हम अगर अपनी माशरती जिंदगी में देखें एक ज़माना था कि उस्ताद मार पीट कर लेते थे शागिर्द के साथ माँ बाप को कोई एतराज़ नहीं होता था अब माँ बाप तो बात बच्चे को इतराज़ होता है ठीक है तो इसी तरह से अब आज के बच्चे को हम और तरीके से समझाते हैं बिल्कुल इसी तरह से तनकीद का भी उसलूब तब्दील होना चाहिए आज का इंसान जिस तरीके से बात को समझता है उस तरीके से समझाने की जरूरत है पहले की तरह नहीं हो सकता आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इस वक्त कोई भी अपने काम पर अंग नुमाई नहीं चाहता वो नहीं चाहता कि उसे बताया जाए इवन वो ये भी नहीं चाहता कि उसे ये बताया जाए कि बेटा इसको दुरुस्त कर लो यहाँ ये गलती है वो कहता है नहीं जैसे मैं हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो उस तरीके से बताया जाए कि उसे कबूल कर ले और वो तरीका जाहिर है कि हमारे नकादों को थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए मैं बड़ी माजरत के साथ कह रही हूँ क्योंकि जाहिर है कि बहुत से लोग इस बात के कायल नहीं होते वो कहते हैं कि नहीं जो तरीका है किसी को बदलना है तो वो ऐसे ही बदल जाएगा जिसे नहीं बदलना वो नहीं बदलेगा लेकिन जब आप बड़े पैमाने पे कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो थोड़ी तब्दीली अपने अंदर भी लानी पड़ती है सिर्फ ये नहीं है कि आप ख़्वाहिश करें कि मेरा ख़ारिज तो बदल जाए मेरा बातन के अंदर कुछ तब्दीली ना आए पहले ख़ुद को बदल बदलना पड़ता है फिर ख़्वाश करें कि बाहर भी कुछ तब्दीली आ जाए लेकिन इस सिलसिले में जैसे हमारा यहाँ तजर्बा तो रहा हमने भी थोड़ा इसमें काम किया तो हम जिस जिस आ, 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 राइटर को लेके आते और उसकी पढ़ते तो वो फिर अगली दफ़ा हल्के में शामिल नहीं होना क्योंकि हम हल्का बब टोरंटो को करते रहे मैं और ताहिर इसके साथ इसमें बहुत रहे तो क्या ये सिर्फ नकादों का मसला है या ये रवैया हमारे लखारियों में और हमारे शायरों में भी आ गया है कि वो बेहतर या वो स्टैंडर्ड हमारा जनरली ही लो हो गया है क्या आप समझती हैं इस पर देखिए लिखारी कहीं मुआरे से अलग मखलूक नहीं होता वो मुआरे का हिस्सा ही होता है अदम बर्दाश्त जब पूरे मुआशरे के अंदर आ गई है तो लिखारी के अंदर भी आ गई है अब आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि हल्का और बब के अंदर जब तख्लीक़ पेश की जाती थी हमारे ज़माने में लोग डरते हुए तख्लीक पेश करते थे और उसके हल्के की एक बहुत बेहतरीन बात यह है कि जिसकी तख्लीक़ पर बात हो रही है उसे बोलने की इजाज़त नहीं होती वरना तो खून रेजी तक पहुँच जाए तो बहरहाल जो शख़्स तनकीद के लिए अपनी तख्लीक़ पेश करता है उसे थोड़ा बहुत तो अंदाजा होता है कि कोई भी बात हो सकती है उसके लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार भी किए जाते हैं हम भी ज़ाहिर बड़े अरसे हल्के से मुंसलिक हैं जो तख्लीक पेश करने वाला है वो अपने दो चार दोस्तों को ले लेकर आता है कि अगर कोई बात हो गई तो संभाल लीजिएगा <laughs> तो ये तो हमेशा से चल रहा है लेकिन ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि अब लोग सुनना नहीं चाहते कि हमें ये बताया जाए कि आपकी फन के अंदर कोई कमी कोई खराबी है इसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं ये तब्दीली जरूर आई है और अब हल्कों के, है ना ये हल्कों के माहौल में भी हाँ जी लाहौर में भी आप यहाँ चला रहे हैं लाहौर में भी मैंने ये बात बल्कि हल्के में मैंने की ये बात कि हले हौले अब ये रुझान बनता जा रहा है रिवायती बनती जा रही है कि जिसको अगर अच्छी बात करनी है तख्लीक पे वो तो ज़बान खोलता है लेकिन जिसे नजर आ रहा है कि यहाँ ये यह गलती है वो खामोश रहेगा कि मैं बोला तो ये ख़ाम मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग या कोई दुश्मनी बन जाएगी सो so, तनकीद बरा तनकीद नहीं होती तनकीद बरए तसी होती तसी है होती इससे है। आपका ये इसी तरह है जैसे हम आ, एक इंसान जब अपनी भलाई चाहता है तो वो अपने उन पहलुओं पर गौर करता है जो पहले वो अपनी स्ट्रेंथ्स देखता है फिर वो ये देखता है कि उसके अंदर खामियां क्या हैं ताकि वो एक बेहतर इंसान के तौर पे सामने आ सके ये तो आप उस इंसान की बात कर रही हैं ना जो अपनी भलाई चाहता है अब देखना ये है कि आज के इंसान के पास तो वक्त ही नहीं है कि वो बैठ के सोचे कि मुझे क्या चाहना है पहले तो ये है ना कि हमें ये पता हो कि हमें खुद पे गौर करने का वक्त मिले जिंदगी पे गौर करने का वक्त मिले इतनी भाग दौड़ है जिंदगी के अंदर इतनी तेज़ रफ्तारी है कि बैठ के सोचते ही नहीं कोविड का जो जमाना था मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह ताला ने चलते हुए घोड़े को ब्रेक लगाई है जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो गई थी बैठ के कोई सोचता ही नहीं था अल्लाह ताला ने बिठा दिया सबको कि बैठो एक दफा सांस लो दम लो सोचो क्या कर रहे हो तो ये कुदरत के जाहिर अपने इंतजाम और निज़ाम होते हैं तो बात यह है कि अगर कोई शख़्स बैठ के ख़ुद पर गौर करेगा तो उसके बाद दूसरा मरला शुरू होता है कि हाँ जी अब मुझे अपने बुराइयों को या ख़ामियों को कम करना है पहले तो वो ख़ामियाँ उसे खुद में दिखाई देंगी तो फिर वो सोचेगा मुझे ऐसा लगता है कि तख्लीक एक बहुत ही सैग्रेड uh, uh, जिसे कहते हैं वो काम है क्योंकि हम भी तो तख्लीक तख्ली की तख्लीक हैं तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है uh, लेकिन हर चीज़ की तरह uh, एक चीज़ का मिल जाना और फिर उसके अंदर उसका सफ़र शुरू होता है दरअसल कुछ गिफ्ट्स आपको मिलते हैं फिर उस पर सफ़र होता है लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि अब किसी के पास ये वक्त ही नहीं है सोचने का शायद ये बातें बहुत uh, मुश्किल हो गई हैं लेकिन अब हम आप क्योंकि ट्रैवल करती हैं दुनिया भर में और आप इंटरेक्ट करती हैं ऐसे लोगों से अदब हर जगह तखलीक हो रहा है तो ख़ास तौर पर उर्दू अदब के हवाले से हम चलते हैं कि आप क्या समझती हैं कि आ, क्या तख्लीकी मार हर जगह का फ़र्क है और अगर है तो उसके अंदर कौन सी ऐसी मुख्तलफ़ चीज़ें हैं जैसे हम कहते हैं ना कि एक रेसिपी है तो क्या ऐसी रेसिपी है जो नर्चर करती है बेहतर तख्लीक को और Uh, क्योंकि हम बहुत कंपेयर करते हैं नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं नॉर्थ अमेरिकन लिटरेचर को देखते हैं uh, फिर वेस्टर्न लिटरेचर को देखते हैं फिर अपने ही देख लीजिए कि उर्दू में जो काम इंडिया में हो रहा है ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे उर्दू बोलने वाले बहुत सारे ख़ातीी नौजरात वहाँ रहते हैं तो क्या चीज़ है जो कि फ़र्क है और कैसे है और उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं इसमें अगर हम मैार के बजाय खवास का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो मेरा ख़्याल ज़्यादा मुनासिब होगा इसलिए कि अदब ख़ के साथ जुड़ा हुआ होता है और हर खत्े के खवास मुख्तल होते हैं और हर मायार का अदब सामने आ रहा होता है अब काम आसान हो गया है पहले किसी ज़माने में एक दुनिया के किसी ख़त्े में कोई काम होता था कोई बात लिखी गई है उसे पहुँचते पहुँचते वक्त लगता था अब तो एक क्लिक के दूरी पर सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो अभी मैंने तेज़ रफ्तारी की बात की थी वो भी यही था ना कि हमें इस कहते थे कि आपने अगर कुछ लिख लिया है तो उसे कुछ अरसे के लिए रख के छोड़ दो बाद में देखो तो पता चलेगा कि उसके अंदर क्या ख़राबी है फौरी तौर पर नहीं पता चलता अब यह है कि आज की नस्ल फ़ौर ही वहीं पर टाइप करती है और वहीं पर पे पेस्ट कर देती है तो ये इस वक्त आसान है दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ में तख्लीक होने वाले अदब को जांचना एक दूसरे के साथ उनका मुजना करना ये बहुत आसान हो गया है लेकिन हमें अपनी रिवायत को नहीं भूलना चाहिए अपनी रिवायत से मेरी मुराद है पूरी दुनिया के अदब की रिवायत पूरी दुनिया के अदब की रिवायत में जब कोई चीज़ स्टैंड करती है तो फिर पता चलता है कि उसका मैार जब तक वो अपने इलाके के अंदर कैद रहती है तो वो ज़ाहिर एक छोटा दायरा है वहाँ पर हम उसे कैटेगराइज करेंगे कि जी ये हमारा सकाफत को का इजहार करने वाला अदब है ये हमारा तरक्की पसंद अदब है ये फ़लाँ रूमानवी लिख रहा है फ़लाँ ये इस किस्म की जो कह लीजिए कि हम तकसीम कर लेते हैं वो इब्तदाई लेवल पे दुरुस्त है इब्तदाई सतह पे हो सकती है जिस वक़्त हम आला सतह पे बात करते हैं पूरी दुनिया के अदब की हैसियत से बात करन, करते हैं तो फिर ये सारी तकसीमें ख़त्म हो जाती हैं जिसके लिए जिसके लिए कहना चाहिए कि थॉट यूनिवर्सल होती है जी बिल्कुल और थॉट के अंदर जो सोच है आपकी जो के मेन पॉइंट है जहाँ से तख्लीक जन्म लेती है खासतौर पे लिखने लिखाने की तो वो उस वक़्त आ, हर चीज से हर कूदो बंद से आज़ाद हो जाती है जब वो यूनिवर्सल होती युनिवर्सल है यूनिवर्सल हो जाती और है। वो हर जगह हो वो उसके लिए कोई कैद नहीं है कोई कैद नहीं वो किसी भी खत्ते से उठ के सामने आ सकती है आला तख़लीक उसका सिर्फ ये है कि सिर्फ अपने खत्ते से जुड़ा हुआ ज़रूरी नहीं है उसका आलमी सूरत हाल के साथ जुड़ा हुआ होना और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान का जो बातिन है जो उसके बुनियादी मसाइल हैं इंसान के उसके अपने वजूद के जो मसाइल हैं इस कायन की के बारे में जो उसका तफक्कुर है उससे जुड़े हुए जब वो सामने आते हैं उसकी जो बुनियादी ज़िंदगी है चाहे वो बातनी है चाहे दाखिली है बुनियादी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए मसाइल जितनी नज़ाकत के साथ जितनी नफासत के साथ सामने आएंगे उतना ही उसके अंदर जो है वो कशिश पैदा होती है इंसान तबन हुस्न परस्त है अदब में भी जहाँ हमें नज़र आता है कि जमालियाती पहलू भी है साथ साथ चाहे वो और जमालियात का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप सिर्फ ख़ूबसूरत चीज़ें दिखाएं नहीं बदसूरत चीज़ों को दिखाते हुए भी आप जमालियात पैदा कर सकते बहुत हैं ये हैं। अदब है कि आप जख्म दिखाते हैं अपने मुआशरे के तो भी आप ऐसे दिखाएं कि दूसरों को पता चले कि हाँ ये आप ज़ख्म दिखा रहे हैं बदसूरती नहीं दिखा रहे ये आप दुख दिखा रहे हैं इंसानियत का जिसमें कनेक्टिविटी रिल, रिलेट कर रिलेट कर सकती है और कहीं इंसान के दिमाग की जहन की किसी आला सतह को जा के टच करती है वो चीज़ तो जो चीज़ नीचे रह जाती है जाहिर है फिर उसका मैार भी वही होता है चलिए अब थोड़ा सा थोड़ी सी गुफ्तु कर लेते हैं आपके रिसर्च वर्क के ऊपर तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी रिसर्च जो है वो किस चीज़ पर है और आप क्या समझती हैं कि उससे क्या आपका कंट्रीब्यूशन है मैंने अभी ताज़ा ताज़ा जो काम किया है मैं उस पर बात करती हूँ कि मैंने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर पहले तो मैंने पाकिस्तान पर ही गौर किया जाहिर है मैं वहाँ रहती हूँ मेरा वतन है कि सियासत के अंदर अखलाकी अकदार ख़त्म होती जा रही हैं रवादारी एक दूसरे को बर्दाश्त करना एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुन लेना उसको सह जाना, दूसरे को राय देने की जगह देना अब क्या है कि हम चाहते हैं कि बस जो हमारा मौक़ है जो हमारी वाबस्तगी है सिर्फ वही दुरुस्त है और सारी दुनिया को उसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए और कहीं किसी जो और कहीं जा रहा है वो इतना गलत है कि उसको तो बस मारी डाल देना चाहिए इस हद तक चीज़ें आ गईं जब पाकिस्तान में तो फिर मैंने सोचा कि क्या वजुहत हैं उसके बाद मैंने थोड़ा पाकिस्तान से हट के देखा तो मुझे नज़र आया कि ये तो पूरी दुनिया के अंदर ही ये मामला चल रहा है कि सियासत के अंदर से अखलाकियात ख़त्म होती जा रही है तो मैंने अभी मैं पब्लिशर को देकर आई हूँ ये किताब अगरचे वो मैंने चूँकि पाकिस्तान के हवाले से लिखी और पाकिस्तान चूँकि नज़रियाती ममलिकत कहा जाता है कि जी ये इस्लाम के नाम पर बना है तो इसलिए मैंने उसको इस इसी हवाले से देखा कि कम अज कम एक ऐसी ममलिकत जिसे नज़रियाती होने का दावा है जिसका कहना है कि वो इस्लाम के नाम पर बनी है वहाँ तो कमस कम अज कम इस्लाम की अखलाकियात नज़र आए तो मैंने ये देखा कि क्या इस्लाम के सियासी निज़ाम में कुछ ऐसा है जो इस सियासी निज़ाम को बेहतर कर सके तो ये फ़िलहाल ताज़ा काम मैं करके पब्लिशर को दे के आई हूँ तो जाहिर है कि हमें अपने मुआरे के साथ जुड़ के ही एक तहकीक तो निसाबी होती है ना जी कि आपने नौकरी कर रहे हैं आप तो आपको प्रमोशन लेने के लिए कुछ तहक़ीकी मकालत कुछ पेपर्स लिखने हैं छपवाने हैं ताकि आपकी तरक्की हो सके तो मेरा चूंकि ये मसला नहीं है इसलिए मैं आज़ादाना काम करती हूँ जहाँ मुझे नज़र आता है कि इस बात को सामने लाना चाहिए तो मैं उस पर बैठ के काम करती हूँ फिर बहुत खूब आज हमारी गुफ्तु काफ़ी मेरा ख़्याल है आ, अच्छी रही अब हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना कलाम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें क्योंकि आप इतना खूबसूरत आप उसमें भी डिस्कस करती हैं उसमें भी आप आ, सोशल इश्यूज को भी लेके चलती हैं तो जो आपको पसंद हो और आप समझें कि हमारे व्यूअर्स इसको इंजॉय करेंगे प्लीज़ हमारे साथ थोड़ा सा पसंद तो ज़ाहिर है शायर को अपना कलाम बहुत सा पसंद होता है तो मेरा ख़्याल है कि ताज़ा कुछ मैं सुनाती हूँ ताकि ज़ाहिर है आप ज़माना ऐसा है कि आप कहीं दुनिया के किसी कोने में कुछ भी पढ़ते हैं तो वो इंटरनेट पे आ जाता है तो इसलिए ताज़ा चीज़ जो है वो बेहतर रहती है ये गजल है बिल्कुल ताज़ा है और अभी तक मैंने कहीं भी ये गजल नहीं सुनाई जी इर्शाद सर उड़ाने से भला क्या सरकशी घट जाएगी सर उड़ाने से भला क्या सरकशी घट जाएगी एक सफ़ छलनी करोगे दूसरी डट जाएगी सर उड़ा उड़ाने से भला क्या सरकशी घट जाएगी एक सफ़ छलनी करोगे दूसरी डट जाएगी ऐसे दो धारी बना तू घूमता है हर तरफ ऐसे दो धारी बना तू घूमता है हर तरफ तेरे अपने वार से ये जिंदगी कट जाएगी तेरे अपने वार से ये जिंदगी कट जाएगी और घर के सारे आइनों से हर कदूरत साफ कर घर के सारे आइनों से हर कदूरत साफ कर वरना हर वस्तगी इस गर्द से अट जाएगी बहुत वरना हर वाबस्तगी इस गर्द से अट जाएगी और थोड़ी देर कर बेमंजरी का ये सफर और थोड़ी देर कर बेमंजरी का ये सफर धुंध है ये धुंध कुछ ही देर में छट जाएगी बहुत खूब और अभी आपने जो जहाँ से गुफ्तु का आगाज़ किया था कि कैसे जिंदगी इतनी लम्हों की एक सांस की है अगर हमें समझ आ जाए कि आखिरी की टापों से गूंजेगी फजा आखिरी राहवार की टापों से गूंजेगी फजा और दुनिया रास्ते से खुद ब खुद हट जाएगी बहुत और दुनिया रास्ते से खुद ब खुद हट जाएगी कब तलक ओढ़े रहेंगे हम हदाय खामशी कब तलक ओढ़े रहेंगे हम हदय खामशी जल्द ही बोसीदगी के बार से फट जाएगी बहुत और अलमां ये जिंदगी तो खुद बड़ी उस्ताद है अलमां ये जिंदगी तो खुद बड़ी उस्ताद है हम समझते थे कि जो सिखलाएंगे रट जाएगी बहुत <laughs> हम समझते थे कि जो सिखलाएंगे रट जाएगी ये जिंदगी तो खुद बड़ी उस्ताद है हम समझते थे कि जो सिखलाएंगे रट जाएगी सर उड़ाने से भला क्या सरकशी घट जाएगी एक सफ़ छलनी करोगे दूसरी डट जाएगी बहुत शुक्रिया आपसे आप एक सवाल मेरा रह गया वो ये था कि खातन शायर ख़ास तौर पर उनके मसाइल आप क्या समझती आजकल जेंडर इक्वालिटी की बहुत बात होती है और ख़ास तौर पर ख़वान को भी, भी समझा जाता है अगर हम पाकिस्तान के माशरे में लें तो ज्यादा वल्नरेबल हैं ज्यादा मुश्किल का शिकार हैं तो एक खातून शायरा होने की हैसियत से आप क्या समझती हैं कि अब क्या सूरत हाल है अब जो तब्दीली आई है उसने अफरात तफरीद पैदा कर दी है अगर जब मजलूम थोड़ी सी उसको जगह मिलती है सर उठाने की तो बात वो ज़ालिम बनना शुरू कर देता है अब सूरत हाल ये है अभी आपने जेंडर इक्वालिटी की बात की असल मसला हमारा ये है कि ये औरत के मसाइल जेंडर इक्वालिटी से हल नहीं हो सकते जेंडर जस्टिस से हल हो सकते हैं ये मेरा ज़ाती नुक़ नज़र है, है और जाहिर है कि इख्तलाफ़ की गुंजाइश मौजूद रहती है मैं ये समझती हूँ कि जब औरत और मर्द मुख्तलफ़ हैं तो उन्हें मुख्तल समझा जाए लेकिन औरत की अपनी जगह है माशरे में ज़िंदगी में बतौर इंसान बतौर फर्द मर्द की अपनी जगह है औरत अगर ये कहेगी कि मुझे मर्द वाली जगह दे दो तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है औरत को अपनी जगह मांगनी चाहिए मेरे ख्याल में ये जेंडर जस्टिस है कि औरत अपनी जगह मांगे जब मर्द की जगह मांगती है तो फिर गड़बड़ होती है लेकिन यहाँ तो ये भी सवाल होता है कि बहुत सी खुवात ऐसी हैं जो कि उसी मैार पे काम कर आई डोंट नो मुझे ऐसा लगता है कि एक ख़ास सतह के ऊपर जब औरत या मर्द दोनों में से कोई भी होता है तो वो एक ही जैसे फैसले करता है एक ही जैसे काम करता है तो फिर इसमें फिजिकल डिफरेंस तो ना हुआ इसमें तो एक तरबियत है कि आप फर्क सोचने का तरबियत रखते हैं हालांकि आप एक जगह के ऊपर एक ही जैसा एक्ट कर रहे होते हैं जी आप नतज की बात कर रही हैं कि जब एक औरत काम करती है अब तो सूरत हाल ये है कि बाज़ात बाज़ात अक्सर अवकात औरत का काम ज़्यादा मैारी होता जा रहा है हर मैदान में औरत आगे आ रही है ख़ुद पाकिस्तान में यह आलम है कि आप कहीं भी चले जाइए किसी फील्ड में भी ख़ुत बहुत आगे हैं तो ये है नतीजा कि ख़ातून काम करेगी तो क्या सामने आएगा मर्द काम करेगा क्या सामने आएगा दोनों मेहनत करते हैं और दोनों का मेहनत का नतीजा जो है वो आला आता है सामने मैं जो मुआशरती सतह के ऊपर बात कर रही हूँ कि मुआशरती सतह पर हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि औरत औरत है मर्द मर्द है देखिए ये कप कप है कागज़ कागज़ है इसको तस्लीम करने में क्या हरज है उसकी अपनी जगह अपना काम है इसकी अपनी जगह अपना काम है तो जहां एक फर्द की हैसियत आती है जहां की सतह है जहाँ अकल की सतह है वहां बतौर फर्द बतौर इंसान बराबर हैं हम मैं बिल्कुल आपकी इस बात से अगली कि पहले हमें फर्द के तौर के ऊपर यानी पहले औरतों को पहला इसका स्टेप ही होता है कि आप इंसान को इंसान के तौर पे डील करें उसके बाद फिर मुख्तलिफ एरियाज़ में किसकी वो कम्पिटिशन फिर कम्पेटिटिव हो जाता जी, है बिल्कुल। कि एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गोज हैंड हैंड, इन जिम्मेदारी और फर्ज के साथ साथ आप किस चीज के ऊपर चलते हैं वो फिर सवाल आते जी है। बिल्कुल मैं छोटी सी मिसाल दूंगी आपको कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ फेमनिज्म का और ये तो जाहिर है इंटरनेट का दौर है जिसके जो दिमाग में आती है वो फ़ौर डाल देता है तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आई कि जी ऑफिस में आ, काम करती हैं ख़ीन और वाशरूम अलग मांगती हैं क्यों भाई अगर हमारे बराबर हो तो वाशरूम एक ही होना चाहिए ये बात इस बास्म की बातें मर्दों की तरफ से सामने आई इसलिए और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं इसलिए मैं कहती हूँ कि काम और उसकी क्वालिटी और उस काम की मेहनत के नतज के हिसाब से तो चूंकि अल्लाह ने अक्ल दोनों को दी है तो वो कोई भी आला और अदना हो सकता है मर्द भी अदना काम कर सकता है औरत भी आला काम कर सकती है लेकिन कुछ उसके आ, औरत होने के नाते उसके कुछ मसाइल मुख्तलिफ हैं मर्द होने के नाते उसके कुछ मसाइल मुख्तफ हैं उस इख्तलाफ़ को नज़रअंदाज करके चलेंगे तो खराबी होगी उस इख्लाफ को मेरी दरख्वास्त ये है कि उस इख्तलाफ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बहुत खूब आपने ये बहुत अच्छी बात की कि इंसान के तौर पर इंसानों को डील करना सबसे पहले जरूरी है आज की तमाम तरगुफ्तु का हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आने का बहुत शुक्रिया जाने से पहले अगर आप हमारे नाजरीन और सामयीन को कोई पैगाम देना चाहती हूँ खासतौर पर वो लोग जो अदब से जुड़े हैं अदब से मुनसलिक हैं खुतिन और बच्चे उनके बारे में कुछ मैसेज दीजिए जी बिल्कुल मैं पूरे माशरे को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बर्दाश्त पैदा करनी बहुत ज़रूरी है अपने अंदर दूसरों को उनकी राय रखने की आज़ादी दीजिए अपने अंदर ये बर्दाश्त पैदा कीजिए कि आप दूसरे की राय जो आपकी अपनी राय से मुख्तलफ है उसे सुन भी सकें उसे समझ भी सकें ये ग़ौर भी कर सकें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी राय मेरी राय से ज़्यादा बेहतर है ये जो हमारे माशरे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रेंड पैदा हो गया है आई एम राइट इसको ख़त्म करने की कोशिश है तो माशरे के अंदर तरक्की माशरे के अंदर रवादारी माशरे के अंदर एक दूसरे की मोहब्बत ये सब तब पैदा होंगी जब हम रवादारी और बर्दाश्त पैदा करेंगे अपने अंदर तो प्लीज़ नौजवान नस्ल से ख़ास तौर पर मेरी ये दरख्वास्त है कि उनको जो उजलत है हर काम की कि अगर एक शख़्स बरसों काम करने के बाद यहाँ पहुँचा है तो नौजवान चाहता है कि मैं आज ही दौड़ के वहाँ पहुँच जाऊँ और उसे वहाँ से हटा दूँ भई उसे वहाँ से हटाए बग़ैर आप यहाँ से जाएँ उससे भी आगे निकल जाएँ उसे हटाना क्या ज़रूरी है वो अपना काम कर रहा है आप अपना काम कीजिए आप उससे आगे जा सकते हैं अगर आप उसे हटाने की जिद्दोजहद में लग जाएंगे आधी एनर्जी तो आपने वहाँ लगा दी कि मैं उसको पहले हटाऊँ तो वो एनर्जी ज़ाया करने की बजाय आप अपना रास्ता निकालिए और उनसे आगे चले जाइए तो ये जो दुशनाम तराजियों का सिलसिला है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के लेग पुलिंग करना एक दूसरे के दुशनाम धरना इल्ज़ाम तराशी करना फ़लाँ ये क्यों कर रहा है फ़लाँ दुनिया आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल सकती आप अपने आप को अपनी मर्जी के मुताबिक चला लीजिए दुनिया को उसके रास्ते पे जाने दीजिए अपने हिस्से का जो काम कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स दरअसल माशरे की माशरे के अंदर जुड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी चंद अक्तार को अपने साथ रखिए हर कदर ज़रूरी नहीं साथ लेके जी जिया जाए और हर कदर छोड़ के भी जीना ज़रूरी नहीं है हम टाइम के साथ साथ ये बातें सीखते हैं कि हमारे लिए तरबियत सोहबत और उसके साथ साथ रवादारी कितनी अहम है किसी भी इलाके में आप रहते हों दुनिया के किसी माशरे में भी रहते हों वहाँ की रवायात उनका सिस्टम ये आपको बताता है कि इंसानियत सबसे पहले है औरत हो मर्द हो या बच्चा हो हर एक का एक मकाम है और फिर आपकी तख्लीक कामल किसी भी सूरत रुकता नहीं है खा आप तेज़ रफ़्तार हों, या आप सुस्त रफ्तार हूँ अपने आप का मुहासा कीजिए अपने इर्द गिर्द को देखिए गौर कीजिए और चीज़ों का हाल तलाश करने की कोशिश कीजिए हमारे लिए हमारी ज़ुबान सकाफत और रवायात बहुत अहम हैं इसको अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा आज का ये प्रोग्राम हमारे साथ देखने का बहुत शुक्रिया Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.